आज अदालत में मोदी सरकार के लिए डबल झटके का दिन था। आज अरविंद केजरीवाल ने उन्हें डबल झटका दिया दोस्तों। सबसे पहले अदालत के सामने एक याचिका आई और वो याचिका ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कानूनन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों। मगर असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा यह था कि आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कहा कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए, और आज उन्होंने मोदी सरकार और ईडी जो कि उसकी जांच एजेंसी है उसकी बखिया उधेड़ दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल एक एक करके इस मामले की परतें खोली। सबसे पहले वो अदालत के सामने क्या रखते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय किए गए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है, यानी उनकी गवाही ले चुकी है। कोर्ट ने अचानक यहां पर हस्तक्षेप किया और अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा? अदालत ने पूछा, आप ये सब लिखित में दे सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड पर लेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि मुझे इस वक्त बोलने दीजिए। अदालत ने उन्हें कहा हां, बोलते रहिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल गवाह सी अरविंद का हवाला देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, दस्तावेज देते हैं, क्या ये बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? यहां पर ईडी के वकील राजू अचानक ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं, और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राजू साहब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दीजिए। अदालत कहती है, अरविंद जी आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बयान पर बयान हो रहे थे, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे, मगर जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ चंगा सी। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने यहां पर एक और सरकारी गवाह का जिक्र किया जिसका नाम राघव मुंटा है। उनके 5 बयान होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 बयान हैं जिनमें से वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। अरविंद केजरीवाल इसके जरिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर 2 चीजें कह रहे हैं। पहली बात, जब तक गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता, मगर फिर उन पर दबाव बनाया जाता है। दबाव होता है गिरफ्तारी का, दबाव होता है एजेंसी की कार्रवाई का नतीजा। जैसे ही वो केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं उसे तुरंत रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। आगे अब मैं कहना चाहता हूं, ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, यानी कि मोदी की जांच एजेंसी की जांच के बाद।